नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक वर्ग की परिमाप 24 मीटर है और दूसरे वर्ग की परिमाप 32 मीटर है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो का परिमाप क्या होगा। ठीक है, उसने हमें कहा कि उसके पास दो वर्ग हैं, तो हम दो वर्ग बना लेते हैं। एक ए वर्ग है ठीक है, उसने कहा कि एक वर्ग की परिमाप है 24, इसकी परिमाप है 24 और दूसरे वर्ग की परिमाप है 32 यानी कि 32। ठीक है, दो वर्ग है उसके पास, एक वर्ग की परिमाप है 24 मीटर और दूसरे वर्ग की परिमाप है 32 मीटर। आगे उसने कहा कि एक वर्ग, एक तीसरा वर्ग लीजिए आप, ठीक है, उसने कहा एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो, यानी इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो जितना क्षेत्रफल आएगा उस इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक, आगे फिर उसने कहा का परिमाप क्या होगा, निकालना हमें क्या है, इस वर्ग का परिमाप हमें निकालना, क्वेश्चन की ये कहानी। ठीक है, अब कहानी आपको समझ में आ रही है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो वर्ग हैं, इसकी हम भुजा मान लेते हैं कि A1 है, इसकी भुजा A2 है और जो हमारा फाइनल में बनना है उसकी भुजा A है। हमने तीनों की भुजा अलग अलग मान ली जिससे कि हमें समझ में आता रहे। इसका परिमाप बराबर है 24, परिमाप का सूत्र होता है 4a, a की जगह यहां पर लिखेंगे हम a1 इक्वल 24, तो a1 इक्वल 24 अपॉन 4 से काटेंगे 6 बार जाएगा, a1 बराबर 6 मीटर, यानी इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई 6 मीटर। यहां लगाएंगे परिमाप बराबर 32, 4a सूत्र होता है लेकिन हम क्या लगाएंगे 4a2 क्योंकि भुजा को हमने a2 माना है, तो a2 बराबर 32 भागे 4, 4 से काटेंगे 4 8 32। ठीक है, तो इस वर्ग की भुजा आ गई है 6 मीटर और इस वर्ग की भुजा आ गई है 8 मीटर। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा है 6 तो 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो इसका आ जाएगा 36 वर्ग मीटर। यहां पर निकालेंगे हम क्षेत्रफल बराबर A2 का स्क्वायर, A2 है 8 तो 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो यहां इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 64 वर्ग मीटर। ठीक है, तो दोनों हमने परिमाप को लिया और दोनों परिमाप को सॉल्व कर दिया। क्या किया कि परिमाप दिया था तो हमने भुजा निकाली और भुजा से फिर दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। आगे उसने कहा था कि जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या है, इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो जो हमारा बड़ा वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के, तो पहले का आया था 36 और दूसरे का आया था 64, 36 और 64 को जब जोड़ देते हैं तो ये आता है 100। अब इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा हमने मानी है a, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर, तो a बराबर क्या आएगा 10 मीटर। ठीक है, यानी जो हमारा फाइनल वर्ग बन रहा है उसकी भुजा आ गई है 10 मीटर, लेकिन हमें निकालना क्या है परिमाप, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 × a यानी भुजा, तो 4 × 10 तो 10 चुका 40 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व होना था, जो कुछ उसने हमें दिया था वह सब हमें लेके चलना था और जो हमें निकालना था वो हमें अंत में मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप इस प्रश्न को एक बार अच्छे से समझिए, इसको एक दो बार लगाइए। ए वाला प्रश्न जो है एसएससी लेवल का है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको जरूर इसको बिल्कुल अच्छे से लगा लेना है एक दो बार, ठीक है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।